हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी में। दोस्तों आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का तरीका हम बताएंगे कैसे करते हैं। अगर आप कई पढ़ चुके हैं तो प्लीज इन क्वेश्चन को पहले आपको सॉल्व करना, उसके बाद आंसर कमेंट करना, फिर देखना कि हमारा सोल्यूशन क्या है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अपने करियर में एक टेनिस खिलाड़ी ने 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और 3 मैच ड्रा रहे। अपने करियर में हारे गए मैचों की गिनती बताएं। ये आपका डेसिमल चैप्टर है, जो टॉपिक उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये सीखिए। ठीक है, उसने क्या बोला है, नीचे देखिए, करियर में हारे गए मैचों की गिनती, यानी उसने पूछा हारे गए मैच, तो वो मैच कितने हार रहा है, वो मैच हार रहा कितने, 12। तो ऊपर लिखेंगे 12, नीचे लिखेंगे कुल मैच कितने हुए हैं, मतलब टोटल मैच कितने हैं। तो मैच कितने हैं, 5 मैच उसने जीतने, 12 हारे हैं और 3 मैच ड्रा हुए हैं। तो 12 5 17 3 20, आपसे उसने इसी का भिन्न पूछा है। तो 4 से काट देंगे तो ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 5। तो ये आपका 3/5 बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक बहुत छोटा सवाल था, बट अगर आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। 4 sin² 30° + 3 cot² 60° - 2 tan² 45° का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, पहले इस क्वेश्चन को आप प्लीज कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद आंसर कमेंट करें। ठीक है, देखिए क्या है, जैसे इसमें है 4 sin² 30° + 3 cot² 60° - 2 tan² 45°। तो पहले इनको क्या लिख देंगे, आपको क्या पता है कि जो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 + 3। cot स्क्वायर 60° क्या होती है वैल्यू, 1/√3। जब इसका वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 - 2। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 - 2 बराबर कितना हो गया, 0। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आप देख के भी आंसर कर सकते थे इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक संख्या में 22.5% की कमी होने पर वह 217 हो जाती है, तो संख्या क्या है। पहले इस क्वेश्चन को आप प्लीज कॉपी में अपने सॉल्व करना, देन इसका आंसर कमेंट करना। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को करने का आपको हम दो तरीके बताएंगे। ठीक है, एक तो बताएंगे हम आपको बेसिक तरीका कि जब आप एग्जाम में बैठे हो, अगर आपको लगता है कि 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो हम कैसे करें, और इसके बाद हम बताएंगे आपको डायरेक्ट कि इसको कैसे कर सकते थे बिना पेन पेपर के। ठीक है, पहले हम देखिए आपको क्या हम बेसिक सिखाते हैं, बेसिक आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला, 22.5% क्या, 22.5%। तो बताइए 22.5% कैसे बना होगा, एक तो ये बना होगा 10% + 12.5%, क्यों, तभी तो होगा ये 22.5%। ठीक है, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10 प्लस 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। ये 8 है, 1/8। जब इसको भिन्न सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, इधर जाएगा आपका 8 बार, इधर जाएगा आपका 10 बार, तो ये हो जाएगा आपका 18/80। ठीक है, तो कितना, 9/40। ठीक है, ये तो गया इसका बेसिक, क्या इस जो 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आई वो कितनी आई, 9/40। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं क्या बोलता है। उसने बोला एक संख्या में 22.5% की कमी होने पर वह 217 हो जाती है। अब बताइए, उसने बोला 22% जो नीचे होती है ये आपका होता है नंबर यानी संख्या। ठीक है, ये इससे पूछ रहा ऊपर वाली कितने कम हो जाते, कहेगा कमी होने की बात कर रहा है, 40 में जब 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 31 बराबर आपको दिया है कितना, 217। 1 = 7 के आपसे संख्या पूछा तो 40 बराबर निकाल देंगे
तो आ जाएगा आपका 280, यही राइट आंसर है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया बेसिक से हमने बताया, जब आपको कुछ भी ना पता हो कि हमको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तब आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। बट हम आपको एक और तरीका बताते हैं, एक और अप्रोच बताते हैं उस क्वेश्चन से। आप देखिए, क्वेश्चन सब लोग कर लेते हैं, बस तरीका किसका अच्छा है वो देखा जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट तरीका हम आपको बताते हैं इसका। एक मिनट, आप हमें पहले बताइए जो 5% होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20 होती है कि नहीं? ठीक है, हमने बोला कि 45% की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे? 5% अगर 1/20 होती है तो इसका इसमें कितने मल्टीप्लाई करें कि 45 हो जाए? यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 45। तो जब ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/ कितना हो जाएगा आपका? 9/20 कितना हो जाएगा? 9/20। ये हो गया आपके 45% की फ्रैक्शन वैल्यू। हमने बोला कि 22.5% भी आपसे पूछा गया, तो आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे कि नहीं? 22.5% आएगा अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तभी तो आएगा। जब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9/40। ठीक है, ये आपकी बेस्ट अप्रोच है, इसी अप्रोच से हर क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, वो हमने इसलिए आपको बेसिक बता दिया कि आपने अगर नहीं कहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा सीख जाइए, उसके बाद अब आपको पता चल गया कि 22.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 9/14। तो इसमें मैं बोल रहा है कि 22.5% की कमी होने पर तो नीचे जो होती है वो होती है आपकी सर क्या? ठीक है, अब उन्होंने पूछा ऊपर, ठीक है कितने की कमी हो रही है? 9 की, तो बची कितनी हुई होगी? 31। 31 बराबर है आपका 217, 1/7 के, संख्या पूछी है 40 बराबर, तो कितना हो जाएगा? 280। यही आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपको ये तरीका कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन क्या, एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपए बनती है और 5 वर्षों में 2600 रुपए बनती है, तो रकम ज्ञात करें। रकम मतलब आपसे पूछ रहा है मूलधन ज्ञात करें। पहले इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, देन इनका आंसर कमेंट करना। देखिए क्या बोला है आपसे, 2 वर्षों में कितनी होती है? 2240 रुपए। ठीक है, फिर उसने बोला है 5 वर्षों में 2600 रुपए, तो 5 बाई मतलब होता है ईयर, ठीक है कितना होता है? 2600 रुपए। ठीक है, अब बताइए इनके बीच का अंतर कितना है? 3 साल का, 3 साल का अंतर, तो इनके बीच का अंतर कितना है? 360 रुपए। तो 1 साल का अंतर कितना आएगा आपका? 120। आपसे 2 वर्ष के लिए बोला तो इसका निकालेगा 2 वर्ष का, तो कितना हो जाएगा? 240। जो आपका 2 साल का साधारण ब्याज दिया है उसमें अगर 240 कम कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्या? मूलधन 2240 माइनस का 240 कम कर देंगे तो जो आपका मूलधन है वो आ जाएगा कितना? 2000 रुपए। यही आपका आंसर ऑप्शन बी। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय जय भारत।